मलेरिया एक गंभीर रोग है, लेकिन आप कुछ कॉमन और इफेक्टिव होम रेमेडीज के साथ इससे अपने आप को बचा सकते हैं। मलेरिया के इलाज में दालचीनी एक बहुमूल्य उपाय है। एक चम्मच पिसी दालचीनी को एक ग्लास पानी में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाकर उबाल के इसे रोजाना लेना चाहिए। अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लें और दो तीन किशमिश इसके साथ मिला लें। इसे एक ग्लास पानी में तब तक उबालें जब तक कि ये आधी मात्रा तक कम ना हो जाए। ठंडा होने पर इसे पी लें। तुलसी के पत्तों का सेवन करना मलेरिया के इलाज के लिए काफी लाभकारी है। इसका सेवन कच्चा किया जा सकता है या आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से भरपूर है। हल्दी शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है जो प्लाज्मोडियम संक्रमण के कारण बनते हैं। हल्दी मलेरिया पैरासाइट को मारने में भी मदद करती है। मलेरिया से निपटने के लिए हर रात एक ग्लास हल्दी वाला दूध पिएं। मलेरिया से संक्रमित होने पर आप अपने भोजन के बीच में संतरे का रस ले सकते हैं। संतरे के रस में विटामिन सी है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। संतरे का रस बुखार को कम करने में भी मदद कर सकता है। तो ये हैं वो कुछ होम रेमेडीज जो आपका मलेरिया से बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी में सबसे अहम होता है डॉक्टर से संपर्क करना और उनके दिशा निर्देशों पर ही आप कुछ भी करें।